चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंतन किसे तिलक करे रघुवीर। तो ये जो दोहा है ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है ये चित्रकूट में, और आज मैं आया हूँ चित्रकूट, देने वाला हूँ चित्रकूट के बारे में आपको पूरी जानकारी। कहते हैं श्री रामचंद्र जी ने 11 साल 11 महीने यहाँ पर बिताए थे जब उनको वनवास दिया गया था, और अब इस कलयुग में फिर से लगभग 500 साल बाद राम फिर वनवास काटकर अपने नए महल में प्रवेश कर रहे हैं। जो मंदिर बना है उसका जो उद्घाटन है 22 जनवरी 2024 को होने वाला है, और श्री रामचंद्र जी अपने महलों में वापस आने वाले हैं, तो इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा खुशी है। और इसी के उपलक्ष्य में मैं आज आया हूँ चित्रकूट, और चित्रकूट के बारे में आपको देने वाला हूँ पूरी जानकारी कि आप चित्रकूट कैसे पहुँचे हैं, चित्रकूट में दर्शन करने के लिए कौन कौन सी जगह है, यहाँ पर आकर आपका बजट क्या होने वाला है, आप यहाँ पर कहाँ रहेंगे, खाने पीने की यहाँ क्या व्यवस्था है, जितनी भी जानकारी है सारी की सारी आपको एक वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ कितनी नाव वगैरह, मंदाकिनी नदी है इसके तट पर खड़ी हुई है, और ये आपको यहाँ पर चारों तरफ सैर करा सकती है। कहते हैं मंदाकिनी जो घाट है यहीं पर तुलसीदास जी जो रामायण का पाठ किया करते थे, तो हनुमान जी भी प्रतिदिन रामायण का पाठ सुनने के लिए यहाँ पर आया करते थे। ऐसी ही बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर जरूर करें। पावन चित्रकूट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित एक धार्मिक स्थल है। यहाँ पर अपना रेलवे स्टेशन है जिसका नाम चित्रकूट धाम है, और यहाँ के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से ट्रेन चलती हैं। यहाँ के लिए हाईवे भी बहुत ही अच्छे बने हुए हैं जिसकी दूरी को आप 8 घंटे में दिल्ली से भी तय कर सकते हैं। यहाँ पर एयरपोर्ट भी है लेकिन अभी वो एक्टिव नहीं है, आने वाले कुछ ही समय में यहाँ का एयरपोर्ट भी एक्टिव हो जाएगा, तो आप चित्रकूट फ्लाइट के द्वारा भी पहुँच सकते हैं। यहाँ के लिए कानपुर, प्रयागराज जैसे बड़े बड़े शहरों से बस मिलती हैं, तो या वहाँ से बस के द्वारा भी आप चित्रकूट आ सकते हैं। तक आने के लिए हमने सड़क मार्ग अपनाया, और उसमें तकरीबन 680 किलोमीटर हम मार्ग तय करके आए हैं, और इतनी बढ़िया सड़कें हैं, इतनी जल्दी हम 8 घंटे में हम हाईवे टू हाईवे आ गए। एक हाईवे छोड़ो दूसरा हाईवे, पहले नोएडा, नोएडा टू आगरा, आगरा से फिर हम बुंदेलखंड वाले आगरा से लखनऊ हाईवे पे चढ़े, लखनऊ हाईवे से हम बुंदेलखंड वाले हाईवे पे चढ़े, तो 8 घंटे में हम चित्रकूट पहुंच गए, और बड़ी ही आरामदायक जर्नी थी। कोहरा होने के बावजूद, सड़क की विजिबिलिटी इतनी पुअर होने के बावजूद, सड़क का इतना अच्छा अरेंजमेंट था कि हमें कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। सर्दियों में घना कोहरा होने की वजह से ट्रेनें बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हैं, इसलिए सर्दियों में जब कोहरा पड़ रहा हो तो उस समय ट्रेन से आना अवॉइड करें। अगर मैं चित्रकूट में रुकने की व्यवस्था की बात करूं, तो यहाँ पे जो होटल है जो सबसे बेस्ट है जिसमें हम रुके हैं, इसका नाम है श्रीजी भवन, और आप श्रीजी भवन में 1500 रुपये से लेकर 2000 के बीच आपको यहाँ बहुत ही अच्छा रूम मिल जाएगा। और आप अगर अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो यहाँ पर गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था आपको फ्री में मिल जाएगी, तो यहाँ रहने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, रहने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। और अगर आपको इससे भी नीचे कम बजट चाहिए तो यहाँ पर आपको 500 से स्टार्ट होके जो होटल है रहने के लिए वो आपको 1500 रुपये तक भी यहाँ पर मिल जाएंगे। सुबह सुबह स्नान करने के बाद हम निकले कामतगिरी जी की परिक्रमा करने के लिए। कहते हैं कामतगिरी जी कामना को पूरा करने वाला माने जाते हैं, और श्री रामचंद्र जी का निवास भी कामतगिरी जी में है। अभी हम आए हैं चित्रकूट में कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा करने के लिए, और कामतगिरी जो पर्वत है उसका क्या महत्व है, क्यों यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं, इसकी जानकारी हम बाबा से लेते हैं। बाबा क्या नाम है आपका? अशोक दास वाजपेयी। तो अशोक दास वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, और ये कामतगिरी पर्वत के महत्व के बारे में हमको बताएंगे कि यहाँ पर आकर लोगों की क्या क्या इच्छाएं पूरी होती हैं, जो भी यहाँ के बारे में पूरी जानकारी है वो हमें शॉर्ट में बाबा जी देंगे। तो बाबा जी बताइए जी। बोलिए कामतानाथ भगवान की जय।
यहाँ 12 वर्ष चमन वर्षा अमृत वर्षा 33 करोड़ देवता आते थे आपकी सभा में, भगवान की 4 बजे सभा रखती थी। कोल भील दाना माना पशु पक्षी सब कोई भगवान की सभा में आता था। तो कामत में पर्व बोला कि आपको चला जाना, यहाँ किसी को नहीं आना, मेरे लिए क्या? तो पर्वत ने कहा, तो कामत भगवान ने कहा कि आप चिंता नहीं करिए, मैं आपके शरीर में व्यापक हो रहा हूँ, समा रहा हूँ, आज से आप कामत भी नहीं कहेंगे, कामता नाथ कहेंगे, तुम्हारे नाम से मैं पूजूंगा, केदारनाथ बद्रीनाथ जगन्नाथ भोलेनाथ, भोलेनाथ के नाथ कहेंगे आप, तुम्हारे नाम से मैं पूजूंगा, और जब कलयुग आएगा मेरे चारों धाम का परिक्रमा कर लेगा, दर्शन कर लेगा, और अगर आपके दर्शन नहीं करेगा तो उसको कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा, और अगर आपके दर्शन कर लेगा उसको चारों धाम का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। ये भगवान ने कामदेव पर्वत से कहा, जो आपको अवलोकित करेगा, देखेगा, आपसे प्रार्थना करेगा, वो आपका परिक्रमा करेगा। कामदगिरी जी को मनोकामना पूरा करने वाला भी माना जाता है, जो आपकी परिक्रमा करेगा उसकी मनोकामना की पूर्ति मैं करूंगा। आप यहाँ के सभी दर्शनीय स्थल ई रिक्शा या ऑटो में पूरे कर सकते हैं। ई रिक्शा या ऑटो वाला आपसे 200 या 300 रुपए लेगा और आपको जितने भी यहाँ पे दर्शनीय स्थल हैं सभी के दर्शन करा देगा। कामदगिरी जी की परिक्रमा शुरू करने से पहले जहाँ से परिक्रमा शुरू होती है वहाँ पर मंदिर बना हुआ है, तो आप यहाँ से फूल वगैरह लेकर आप अंदर मंदिर में चढ़ा सकते हैं और कामदगिरी जी के दर्शन करने के बाद ही आप अपनी परिक्रमा शुरू कर सकते हैं। परिक्रमा शुरू करते ही आपको बहुत ही सारे बंदर रास्ते में मिलना शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए आप पहले से ही अपने साथ चने लेकर जरूर जाएं और बंदरों को रास्ते में खिलाते हुए जाएं। परिक्रमा मार्ग में ही भरत मिलाप मंदिर है जहाँ पर भरत श्री राम जी से मिलने के लिए आए थे और उनकी चरण पादुका लेकर गए थे। यहाँ पर अभी भी उनके चरण पत्थर पर छपे हुए हैं। यहाँ अगर मैं खाने के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर खाना पर पर्सन 150 रुपये के हिसाब से आपको भरपेट मिल जाएगा और बड़ा ही स्वादिष्ट खाना यहाँ पर आपको खाने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं है। परिक्रमा करने के बाद हमने खाना खाया जो बड़ा ही स्वादिष्ट था, उसके बाद हम निकल गए रामघाट के लिए। तो चलो आपको भी कराते हैं रामघाट के दर्शन। जो रास्ते का व्यू है और रास्ते हैं वो बड़े ही अच्छे हैं, उनका आप लुत्फ भी उठा सकते हैं। अभी मैं खड़ा हूँ रामघाट पर और रामघाट जो है चित्रकूट की सबसे फेमस जगह है। यहाँ पर मंदाकिनी नदी के तट पर तुलसीदास जी राम पाठ किया करते थे और उस राम पाठ को सुनने के लिए हनुमान जी भी आया करते थे, लेकिन तुलसीदास जी को इस बात के बारे में ज्ञात नहीं था, उनको पता नहीं था। और तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए काशी, अयोध्या, चित्रकूट, पता नहीं कहां कहां भटके, लेकिन उनको दर्शन नहीं हुए। नदी के तट पर बैठकर पाठ कर रहे थे तो तभी दो बच्चे आए और उनसे तिलक कराने लगे, तो तब भी वो तुलसीदास जी उनको नहीं पहचान पाए। तो हनुमान जी ने क्या किया, वो सोचने लगे कि तुलसीदास जी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्यों ना इनकी मदद करी जाए। तो हनुमान जी एक तोते का रूप बनाकर यहाँ पर आए और उन्होंने जो मैं आपको दोहा इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था वो दोहा उन्होंने तुरंत वहाँ पर बोला कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। तो तुरंत तुलसीदास जी समझ गए और श्री रामचंद्र जी के चरणों में पड़ गए और उसी दिन उनको यहीं पर मंदाकिनी नदी के किनारे पर श्री रामचंद्र जी ने दर्शन दिए। तो ये जो यहाँ पर रामघाट है ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध इसीलिए है क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने स्वयं यहाँ पर कलयुग में आकर तुलसीदास जी को दर्शन दिए। रामघाट पर ही शिव मंदिर है जिसके आप दर्शन कर सकते हैं और यहाँ पर आप नाव में बैठकर भी यहाँ पर आसपास जो भी मंदिर है उनके दर्शन कर सकते हैं। नाव का जो चार्ज है वो लगभग 300 रुपये पर पर्सन है। यहाँ के बाद हम निकले
सती अनुसुईया माता मंदिर के लिए और 15 मिनट में पहुंच गए। मेरे पीछे आप देख रहे हैं अनुसुईया माता का मंदिर है और उसके पीछे बहुत ही ऊंची चट्टान है। जो यहाँ का व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है और बहुत ही ज़्यादा शांति देने वाला है। और इस साइड आप देखेंगे, इस साइड देखिए कितना साफ नेचुरल जो जल है वो भरा हुआ है और उसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं। तो आप मछलियों के लिए बाहर से दाना लेके आ सकते हैं और यहाँ मछलियों को खिला सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा। और यहाँ का जो आने का रास्ता है बड़ा अमेजिंग रास्ता है, और जिसमें रास्ते में आपको लंगूर और बंदर वगैरह भी मिलते हैं, तो उनके लिए भी आप चने वगैरह ले आ सकते हैं और रास्ते में उनको खिला सकते हैं। अभी माता अनुसुईया जो सती हैं उनका दर्शन करने के बाद हम चल रहे हैं गुप्त गोदावरी की तरफ और आपको कराते हैं गुप्त गोदावरी के दर्शन, बताते हैं गुप्त गोदावरी के बारे में, गुप्त गोदावरी का रहस्य है और गुप्त गोदावरी कब प्रकट हुई और वो जो जो जल आता है पहाड़ों के बीच से वो कैसे आता है, वो सभी चीज़ आपको दिखाते हैं। मैं आ चुका हूँ गुप्त गोदावरी। कहते हैं यहाँ पर दो पहाड़ों के बीच में गुप्त गोदावरी बहती है। माना जाता है श्री राम जी ने गुप्त गोदावरी को बाण मारकर नासिक से यहाँ प्रकट किया था। यहाँ पर अंदर की एंट्री फी 20 रुपये है, जो कि यहाँ पीछे आप देख सकते हैं एक 1% की 20 रुपये फीस है, और 20 रुपये देकर आप यहाँ अंदर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। गुप्त गोदावरी के दर्शन करके मंदिर से सीधे आ रहे हैं और रास्ते में मार्केट भी है जिसमें सभी प्रकार का आपको सामान मिल जाएगा, बच्चों के लिए खेल खिलौने मिल जाएंगे। और जो अंदर की जो कहानी है वो ये है कि यहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने सभा का आयोजन किया था जिसमें सभी देवी देवता सम्मिलित हुए थे और शिव भगवान भी आए हुए थे। तो अंदर शिव भगवान का मंदिर है और दो कुंड बने हुए हैं जिसमें एक में ठंडा पानी है और एक में गर्म पानी है। उसके बाद आप गुप्त गोदावरी है जो कि थोड़ी दूर तक बहती हुई जाती है और आगे जाके पर्वत में ही समा जाती है। उसका ये पता नहीं है कि उसका जो जल है वो कहाँ जाता है। गुप्त गोदावरी में बहुत ही पतला सा रास्ता था, इसलिए थोड़े थोड़े लोगों को अंदर भेजा जाता है और फिर थोड़े थोड़े लोग ही बाहर आते हैं। एक बार की बात है कि सीता माता उसमें स्नान कर रही थी और एक राक्षस था जिसने उनके कपड़े चुराने की कोशिश की थी, तो लक्ष्मण जी ने उसको यहाँ पर उल्टा लटका दिया था जो कि पत्थर के रूप में अभी भी अंदर उल्टा लटका हुआ है और आपको भी यहाँ पर लटका हुआ दिखाई देगा। मैं आपको लेके चलता हूँ हनुमान धारा, और हनुमान धारा के बारे में भी ऐसे ही विस्तृत रूप में आपको जानकारी दूंगा। हनुमान धारा जाने के लिए जैसे ही आप रामघाट से बाहर निकलेंगे तो यहाँ आपको ई रिक्शा और ऑटो मिल जाएंगे जो आपको 20-30 रुपये लेकर हनुमान धारा तक छोड़ देंगे। तो चलो चलते हैं हनुमान धारा। मैं हूँ हनुमान धारा में, और जो हनुमान धारा है ये बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ पे दर्शनीय स्थल है जहाँ लोग हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हनुमान जी की स्वयंभू प्रतिमा है जो यहाँ पर बनी हुई है। कहते हैं श्री राम जी ने यहाँ पर बाण मारकर एक धारा का निर्माण किया था और हनुमान जी को उस धारा का नाम दिया गया था, तभी से इसको रामधारा बोला जाता है। और रामधारा के दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ प्रतिदिन आते हैं। तो यहाँ आप भी आ सकते हैं। हम रामघाट पर स्नान करने के बाद यहाँ हनुमान धारा में आए हैं और यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन किए हैं। यहाँ आपको सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए मिलेंगी, वैसे यहाँ पर गाड़ियाँ भी आती हैं, आप फिर 100 रुपये प्रति व्यक्ति देकर गाड़ी के द्वारा भी आ सकते हैं और सीढ़ी के द्वारा भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। भगवान राम जब लंका विजय प्राप्त करके अयोध्या को गए, अयोध्या में राजपाट करने के बाद जब भगवान का समय साकेत धाम जाने को होता है, सबको बुलाते हैं, कहते हैं जिस कार्य के लिए मेरा अवतार हुआ वो कार्य पूरा हो चुका है, आप लोग मुझसे कुछ न कुछ मांगिए। जिसने जो मांगा भगवान ने सबको सब कुछ दिया। जब हनुमान जी सरकार से पूछे कि आप भी कुछ मांगिए, हनुमान जी सरकार हाथ जोड़कर बोले प्रभु हमें किसी चीज वस्तु की जरूरत नहीं है, हम भी आपके साथ साकेत धाम चलेंगे। भगवान ने ध्यान दिलाया, बचपन में ऋषि द्वारा हनुमान जी सरकार को श्राप हो गया था कि जब कोई ध्यान दिलाएगा तभी ध्यान आएगा। भगवान कहते हनुमान आप ध्यान करो, सीता खोज के लिए लंका गए थे, अशोक वाटिका में सीता जी ने अजर अमर का वरदान दिया था, अजर अमर गुण निश्चित हो करो बहुत रघुनायक छोहू।
इसलिए हनुमान मेरे साथ आपको साकेत धाम नहीं जाना है, मृत्यु लोक में रहना, भक्तों का कल्याण करना। हनुमान जी सरकार हाथ जोड़कर बोले, मेरे स्वामी होके कुछ देना चाहते हैं, दीजिए। जब से मैं रावण की लंका जलाया, मेरे शरीर में गर्मी रहती, जलन ताप दाह, ये दूर हो, चरणों की भक्ति जहाँ नित्य आपका दर्शन मिलता रहे। भगवान ने कहा, हनुमान मैं तीर्थों का राजा प्रयागराज जी को बनाया, चित्रकूट का राजा किसी को नहीं बनाया, यहाँ मेरा सदैव वास रहेगा, नित्य वास रहेगा। आप चित्रकूट चलो, अयोध्या धाम से श्री चित्रकूट धाम लाकर ये संकर्षण गिर पार्वत में बाबा को स्थान दिए, बाण मार के सरस्वती धारा दी। श्री रामचंद्र जी ने हाँ, ये सरस्वती जी का कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, इसका दर्शन यहाँ से कुंड तक मिलता है। ये स्वयंभू है, प्रकट मूर्ति कोई कारीगर की बनाई प्रतिमा नहीं। सीता रसोई है तो यहाँ आप आकर सीता रसोई के भी दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि माना जाता है यहाँ पर जब श्री रामचंद्र जी रहते थे तो यहीं पर ही उनकी रसोई थी, और यहीं पर ही वो कंदमूल फल जो थे उसको यहीं पर ही खाया करते थे। अभी जैसे ही गाड़ी से हम आ रहे हैं हनुमान धारा से, तो रास्ते में एक राम तालाब है, कहते हैं ये जो राम तालाब है ये यहाँ पर भरा हुआ है कई युगों से। माना जाता है श्री रामचंद्र जी इस जो ये तालाब है इसमें यहाँ पर नहाया करते थे, तभी से ही इसमें जल भरा रहता है, और यहाँ पर पानी का कोई स्रोत नहीं है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे भरा रहता है। बहुत सारे वैज्ञानिक इसकी जांच भी कर रहे हैं कि ये जो जल है ये कहाँ से आता है, और यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो कहते हैं कि ये जो जल है ये कभी सूखता नहीं है, यहाँ पर हमेशा ही भरा रहता है। चित्रकूट पर आधारित ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।